Assalamualaikum and a very warm welcome to EACD classes. My name is Tawqir al-Islam and I am your tutor for this course. I welcome you to this new series. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. इसके बाद वी आर द नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, जिसको 1952 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था. प्रोग्राम जो है इसको 1952 में लॉन्च किया गया था और ये डेवलपिंग वर्ल्ड का यानी डेवलपिंग नेशंस का पहला ऐसा स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को फिर 2000 में लॉन्च किया गया टू रिड्यूस द फर्टिलिटी, यानी पॉपुलेशन को एक तरह से कम करने के लिए फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लॉन्च की गई थी. अगर नेशनल फैमिली प्लानिंग का सिंबल आप देखोगे वो एक इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल है, ये पूछा जा सकता है. प्रोग्राम के गोल्स क्या हैं, मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग के क्या क्या गोल्स हैं. एक तो लोअर फर्टिलिटी रेट्स, यानी फर्टिलिटी रेट होता है कि लाइक ऑन एन एवरेज बच्चे माँ कित ऑन एन एवरेज एक औरत कितने बच्चों को जन्म दे रही है. तो फॉर एग्जांपल अगर पहले फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती थी क्योंकि हर एक औरत के लाइक 5-6 बच्चे होते थे या 10 भी होते थे किसी के, तो नाउ फर्टिलिटी रेट्स हैव गॉन डाउन, 2 या 3 बच्चे मैक्सिमम होते हैं. तो ये एक नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था उसका एक मकसद है फर्टिलिटी रेट्स को कम करना, पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो करना. ऑब्वियसली जब फर्टिलिटी रेट कम होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी स्लो होगी. इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना ये भी इसका मकसद है. ठीक है, क्योंकि एक चीज़ होती है कि लाइक अगर पॉपुलेशन डाउनफॉल होगा ज़्यादा तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकती है, तो उसको भी प्रमोट करना. स्टेबलाइज पॉपुलेशन एट अ लेवल दैट मैचेस द नेशनल इकोनॉमीज रिक्वायरमेंट्स, यानी पॉपुलेशन को उस लेवल पे लाना जो नेशनल इकोनॉमी में जितने लोग चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है लोगों की उसके साथ मैच हो जाए. जैसे आपको पता होगा कि लाइक साउथ कोरिया में आजकल लाइक देयर इज अ डाउनफॉल, पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, तो वहाँ पे अब लोगों को लाइक वहाँ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं औरतों को बच्चे पैदा करने के लिए. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लाइक लोग कम हो जाए या फर्टिलिटी रेट या पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी कम हो जाए कि फिर इकोनॉमी में इश्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो एक बैलेंस स्टेबलाइज पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए उस बैलेंस्ड लेवल पर लाने के लिए भी इसका एक मेन गोल था. ठीक है, इस प्रोग्राम के जो मेन लाइक ऑफ मेथड्स हैं किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा, इसमें वी हैव द लाइक 6 मेथड्स टोटल. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCPs, जो आपको पता है लाइक कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो ओरली मतलब जो मुंह से जो दवाएं ली जाती हैं ये प्रोवाइड की गई लाइक आशा वर्कर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे लाइक दे प्रोवाइड दीज. इसके अलावा कॉन्डोम्स हैं जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. इसके अलावा इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, या जिसमें आपने मे भी पढ़ा होगा लाइक कॉपर टी आती है जो लाइक औरतों में एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. इसके अलावा फीमेल स्टरलाइजेशन और मेल स्टरलाइजेशन. फीमेल स्टरलाइजेशन होता है, स्टरलाइजेशन एक परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड है जिसमें लाइक जो एनाटॉमिकल पैथवेज होते हैं अंदर से उनको टोटली लाइक ब्लॉक किया जाता है. लाइक वी हैव द लाइक अगर आपको बताओगे लाइक ओवेरीज से जो लाइक एग्स आते हैं तो या स्पर्म जब जाता है लाइक फीमेल बॉडी में तो या मेल के अंदर लाइक टेस्टिस से जब स्पर्म निकलती हैं तो उन पैथवेज को ब्लॉक किया जाता है ताकि जो गमीट्स हैं यानी एग्स इन द फीमेल एंड स्पर्म इन द मेल उनको ब्लॉक किया जाए और ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो यानी बच्चा ना बन पाए, तो उसको फीमेल स्टरलाइजेशन और मेल स्टरलाइजेशन कहा जाता है. एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो ये 6 वेज हैं टू इंश्योर लाइक पॉपुलेशन को काम करने के फैमिली प्लानिंग के. ये 6 डिफरेंट मेथड्स थे जो इस प्रोग्राम के अंडर जो है यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, देन वी हैव द लक्ष्य प्रोग्राम. लक्ष्य प्रोग्राम ये एक लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव है जिसको December 11, 2017 में लॉन्च किया गया था. ये याद रखना, ये 1952 नहीं है, ये 2017 है. याद रखना कि जो लक्ष्य प्रोग्राम है इसको December 11, 2017 को लॉन्च किया गया था. बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को पूछ सकते हैं कि लक्ष्य प्रोग्राम किसके रिलेटेड है. याद रखना ये लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है. लेबर रूम अगर आपको पता होगा जब डिलीवरी होनी होती है तो देयर इज अ लेबर रूम हॉस्टल में होता है, तो उसी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लक्ष्य प्रोग्राम को लॉन्च किया था फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ केयर इन द लेबर रूम एंड मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर OT और लेबर रूम में जो फैसिलिटीज़ है या वहाँ पे जो केयर की प्रोवाइड की जाती है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया था. इसका गोल था रिड्यूस द प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी एंड स्टिल बर्थ एसोसिएटेड विद द केयर अराउंड डिलीवरी, यानी जो डिलीवरी के टाइम पे जो केयर दी जाती है उस
अगर केयर ना प्रोवाइड की जाए या प्रॉपर केयर अगर ना दी जाए तो उससे जो अगर डेथ होती है, मोर्टेलिटी होती है, चाहे न्यू बॉर्न की या मैटरनल मोर्टेलिटी जो होती है, डिलीवरी के टाइम पे चाहे वो लेबर रूम या मैटरनल ओटी में हो, उसको कम करने के लिए ये लॉन्च की गई। तो स्पेसिफिकली मैटरनल और न्यू बॉर्न मोर्टेलिटीज़ को कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, जो मोर्टेलिटीज़ होती थी प्रॉपर केयर ना मिलने की वजह से एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, इसमें मैं अभी के लिए आपको बस फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम आपको सिलेबस में एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है, बट इनकी फुल फॉर्म आप याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा उसके रिलेटेड है। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म पे आ सकता है कि NIDDCP की फुल फॉर्म क्या है। इट्स नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, MAA, इट स्टैंड फॉर मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, NPPCF, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरिसिस, NIPI, दैट इज नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिया कंट्रोल। ये फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उनमें वी हैव द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP, नेशनल लेप्रसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP, नेशनल वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP, इसके अलावा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP, पल्स पोलियो प्रोग्राम PPP है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP, NRCP, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये जो स्कीम्स हैं इन पे बहुत कम क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताए इसमें जो मैंने नेशनल हेल्थ मिशन या जननी सुरक्षा योजना या स्कीम फॉर एडोल्ट्स एंड गर्ल्स या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अलावा जो मैंने बाकी जो डिटेल में स्कीम्स पढ़ाई, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखा, इंद्रधनुष देखा, वो इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसको आप बस ऊपर ऊपर से देखना और इनकी फुल फॉर्म बस आप देख लेना कि कल को अगर ऑप्शन वहाँ दिखे तो यू शुड बी एबल टू टेक दैट। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिलेटेड वी हैव नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक, इसको NPCDCS कहते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट, इसके अलावा प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरीज, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो आप कुछ चीज़ें जो डेप्थ में पढ़ सकते हो, यहाँ पे जो मैंने आपको बोला नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इसके बारे में अगर इसकी डेट वगैरह आप देख लोगे वो मैं शायद ऐड भी कर दूंगा PDF में। इसके अलावा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप डेट वगैरह देख सकते हो कि ये कब लॉन्च हुआ था। पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में डेप्थ में थोड़ा अगर पढ़ोगे तो वो बेहतर है, लेकिन इफ़ यू वांट स्किप भी कर सकते हो, जो सिलेबस में दिया है उसी के साथ स्टिक कर सकते हो, उसमें मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में मैं आपको अगर आप पढ़ना चाहोगे तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन वी हैव द NGO स्कीम्स, इसमें स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, श्रेष्ठा। तो कल को पूछ सकते हैं वो कि श्रेष्ठा क्या है, तो याद रखना श्रेष्ठा है, इट प्रोवाइड्स सीट्स इन प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स टू मेरिटोरियस SC स्टूडेंट्स, जो मेरिटोरियस शेड्यूल का स्टूडेंट्स है उनको रेसिडेंशियल प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स में सीट्स प्रोवाइड करता है श्रेष्ठा प्रोग्राम। ये याद रखना, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, अटल वायु अभ्युदय योजना AVYAY, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन के लिए है, याद रखना अटल वायु अभ्युदय योजना सीनियर सिटीजन के लिए है। स्कीम फॉर ऑफ नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज सब्सटेंस अब्यूज, ये भी एक स्कीम है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताया। तो अब नेक्स्ट वाले में जिसमें स्पेसिफिकली हमने मेडिकल हेल्थ केयर के बारे में फोकस किया। अब इसके साथ आपका SEGB जो आपका सिक्स्थ पार्ट था, जिसमें आपका PMVYY था, SEG था, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन जो यूनिट 6 के 6 पॉइंट पे था, वो सारा कवर हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद यूनिट 6 में हमारा एक तो एडॉप्शन, फॉस्टर केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर, इसके अलावा चिल्ड्रन राइट्स,
ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण ट्रैकर, पालना, लाडली बेटली स्कीम और स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम, ये रह जाती हैं। सो दो ढाई घंटे आगे हो गए मुझे रिकॉर्ड करते हुए एंड इट इज़ लाइक अभी 2 बज रहे हैं रात के, मैंने शायद 12 बजे स्टार्ट किया था इसको रिकॉर्ड करना। नाउ विल सी इफ आई विल पुट इट इन लाइक, मैं इसको शायद पार्ट्स में अपलोड कर दूंगा बिकॉज 2 घंटे का लेक्चर आप क्या ही देखोगे, आप बोर हो जाओगे 2 घंटे। तो आई होप कि मैं ऑल्दो थोड़ा सा नया था मेरे लिए खुद भी, बट आई हैव ट्राइड कि मैं आपको वही सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक है लाइक एग्जाम स्पेसिफिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस वो सब पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो विद दिस वी कंक्लूड दिस लेक्चर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।